हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी लैंग्वेज में व्यंजन पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको स्वर तथा स्वर के भेद बताए थे। आज व्यंजन बताएंगे तथा व्यंजन के भेद बताएंगे। तो सबसे पहले हम ये जानें कि व्यंजन होते क्या हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से ना होकर मुख से हवा अवरुद्ध होकर बाहर निकलती है। ये मूल रूप से 33 होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर समझाना क्या चाहते हैं, बताना ये चाहते हैं कि व्यंजन स्वतंत्र नहीं है, व्यंजन में स्वर छुपे हैं। अब वो व्यंजन कौन कौन से होते हैं थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे का बोलना है, का, खा, गा, तो ये सब क्या है, का में हलन छुपा हुआ है, का आधा का प्लस अ स्वर छुपा हुआ है। तो ये का जब हमने बोला तो उसमें स्वर था। इसी तरह ये का, खा, गा, घा, जितने भी जो हम व्यंजन बोलते हैं उन सब में स्वर छुपा होता है। यही इसीलिए वो कह रहे हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वो व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन का मतलब है कि उसमें स्वर छुपा हुआ है। और व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। अब आता है व्यंजन के भेद। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्मीय। अब स्पर्श व्यंजन क्या होता है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु, कंठ, होंठ, जिह्वा आदि के स्पर्श द्वारा बाहर आए वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन के 5 वर्ग हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं। हर वर्ग का नाम उसके प्रथम वर्ण के नाम पर रखा गया है। तो स्पर्श व्यंजन बहुत इजी है, बहुत सरल है। केवल उसमें ये देखना है कि हमारी जो हवा है, वायु, क्या वायु माने हवा, कंठ गले से होते हुए होंठों पे टकराती है और फिर जीभ से, तो जीभ होंठ और गले का सहारा लेती है, वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और स्पर्श व्यंजन सिर्फ 5 वर्ग आते हैं इसमें, यानी 25 जो हैं व्यंजन इसमें शामिल होते हैं। अब वो कौन कौन से 5 वर्ग हैं और उनमें कौन कौन से व्यंजन आते हैं, तो पहला, और जैसे इसमें अभी पहले बताया था कि हर वर्ग का नाम उसके प्रथम वर्ण के नाम पर रखा गया। तो प्रथम वर्ण क्या है इसमें, प्रथम वर्ण का है, का, खा, गा, घा, तो का वर्ग हो गया, चा, छा, जा, झा, वा, तो चा वर्ग हो गया, टा, ठा, डा, ढा, ना, तो टा वर्ग हो गया, ता, था, दा, धा, ना, तो ता वर्ग हो गया, पा, फा, बा, भा, मा, तो पा वर्ग हो गया। और ये ढा और ढा जो होते हैं वो इसके अतिरिक्त होते हैं, इसी में शामिल होते हैं, इसलिए इसमें दिया हुआ है। वैसे 25 ये जो हैं स्पर्श व्यंजन में ही आते हैं। अब देखिए अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा पूरी तरह मुख से के किसी भाग को नहीं छूती, यानी जीभ हमारी मुख के किसी भाग को नहीं छूएगी, वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये वर्ण स्वर तथा व्यंजनों के बीच में स्थित माने जाते हैं और ये संख्या में कितने होते हैं, सिर्फ 4 होते हैं, यार अलावा जो अभी हमने पहले जिक्र किया था 33 होते हैं। तो 25 तो ये निकल गए, अब 4 ये जुड़े, 26, 27, 28, 29 हो गए, यानी 29 व्यंजनों की हमने यहाँ पर चर्चा कर ली। अब आता है ऊष्मीय व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा के रगड़ खाने के कारण मुख से ऊष्मा निकलती है वे ऊष्मीय व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में 4 हैं, ये 4 होते हैं और शा, शा, सा, हा, तो अभी 29 थे, 30, 31, 32, 33। इस तरह ये जो 33 व्यंजन हैं वो सभी स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। आज के लिए इतना ही है।